हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जैसे कि मुझे ना किसी एक लेडीज़ ने कमेंट्स किया हुआ था कि उनकी कोख बंधी हुई है, तो क्या वो माँ बन सकती हैं? तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है अगर जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोख बंधी हुई है, उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। या बहुत लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ों को, पर हकीकत तो ऐसी है कि जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी हैं, जहाँ राक्षस है वहाँ भगवान भी है। तो उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं और वो होती भी हैं। तो मैं आज आपको एक अपना खुद के ही घर का आपसे एक ऐसा शेयर करना चाहती हूँ, आपसे इस विषय में बताऊँगी भी आगे चल के वीडियो में। और जो मैं आपको जानकारी दूँगी, यकीन मानिए जो भी वहाँ जाएगा ना, तो वो पूरा ठीक भी हो जाएगा और वो औरत वहाँ पे प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो उस वीडियो को, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आप एक भी बार वीडियो स्किप करते हो तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जबकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप सभी से शेयर करती रहूँ। तो देखिए, अब मैं किस कुंड के बारे में बात करूँ और कहाँ नहाने से स्त्रियाँ के ऊपर जो पेट की जो बंधक हुई रहती है या कोख बांधी हुई होती है या किसी ने कुछ कर कराया रहता है, तो ठीक कैसे हो जाता है? तो मैं बात करूँ आप सभी से, वाराणसी में एक कुंड है लोलारक कुंड। उस लोलारक कुंड में अगर आप स्नान करती हैं, स्त्री जिन्हें दंपत्ति को अगर बच्चे चाहिए होते हैं, जोड़े से उन्होंने जाके वहाँ नहाना पड़ता है, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको बताऊँगी। लेकिन अभी जो है, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी वहाँ जाता है, नहाता है, या जिस भी स्त्री के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या किसी के ऊपर भी प्रॉब्लम है, या आपके शरीर से रिलेटेड कोई आपको बीमारी है, कोई रोग, चरम रोग, जैसे कि त्वचा के ऊपर स्किन रोग जिसको बोला जाता है, अगर उस प्रकार के आपको कोई बीमारी है, तो उस कुंड में नहाने से आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उस कुंड की महत्व मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। मेरे ही खुद के ही घर में मेरी ही बहन के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम थी, और उसके ऊपर जब ये ऐसी प्रॉब्लम थी तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। बहुत बाबा पंडित बहुत दिखाया, पर उसको भी कुछ हो नहीं रहा था, ठीक नहीं हो पा रही थी वो, मतलब बहुत उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर हमको किसी ने बताया, एक पंडित जी ने, यहाँ हमारे मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल है, तो वहाँ पर गुरु जी, मैं ऐसे दर्शन करने गई थी तो वहाँ पर बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसी बात है तो आपको, अगर इसके ऊपर करनी कर्तव्य है, अगर आपके पास इतना, मतलब बहुत कुछ हो, बता रहे थे कि ये सब करना पड़ता है अगर आपसे, तभी जाके ठीक होगा। पर हम ये सब चीज़ों पे, सच बताऊँ ना, तो नहीं करना चाहते थे कि ये बलि बिली देने वाला काम, ये सब मुझे पसंद भी नहीं है। तो फिर मैंने मेरी मम्मी से बात की, तो ये हुआ कि फिर चलो ठीक है, हम जाते हैं वहाँ ही जाके, बनारस ही जाके देख के आते हैं ना क्या होता है और क्या नहीं। तो फिर मम्मी और वो मेरी बहन, ऐसे हम सब लोग गए हुए थे वहाँ पे, तो उस कुंड में वो और उसके हस्बैंड दोनों ने स्नान किया और नहाए। और नहाने के बाद में, मतलब अगर जिसको बच्चा नहीं होता है वो भी वहाँ नहा सकते हैं। अब तो उन्हें एक साल के अंदर बच्चा हो भी जाता है, ऐसा वहाँ की मान्यता है। पर वहाँ नहाया जाता है, उसका जो मेन टाइम होता है वो छठी के टाइम पे नहाया जाता है, जब छठ पूजा होती है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, जब श्रावण के महीना भाद्रपद चालू होता है तब गणेश चतुर्थी आती है। बहुत लोग तीज का व्रत करते होंगे, तो तीज व्रत में वहाँ तीज के तीसरे दिन वहाँ पर नहाया जाता है, जब छठी रहती है तब। और लाखों की भीड़ वहाँ पे आती है, लोग वहाँ पे, लाखों लोग आते हैं वहाँ पे नहाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अदर डे भी वहाँ जाके नहा सकते हो, लेकिन अदर डे में ना बहुत खर्चा लग जाता है। जैसे कि जब मेरी बहन को हम लोग लेके गए थे तो उसे बहुत बहुत पैसा उन्होंने, वहाँ के लोगों ने लूट लिया था, सच बताते हो आप लोगों से। तो मैं तो यही सबको सजेस्ट करूँगी, आप अदर डे भी जाइए। अगर आपको सब्र नहीं है, आप उतना वेट नहीं कर सकते, तो आप अदर डे भी कोई अच्छा दिन, जैसे कि पूर्णिमा, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, ऐसा महीने का देख के आपको जाना चाहिए, और अच्छा दिन कोई भी देख के जाना चाहिए। तो हम जैसे उसे संक्रांति, जो हमारी मकर संक्रांति होती ना, तो जैन में उसको हम लेके गए थे, और जैन में उसको जब ये प्रॉब्लम थी तो वो और उसके हस्बैंड वहाँ नहाए, और वहाँ से नहा के आने के बाद ही वो गर्भवती हो गई। मुझे जैसे उसके बारे में पता नहीं था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं सिमसा माता के यहाँ जा के आया हूँ, तो हमें किसी एक के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए, आगे चल के देखा जाएगा। पर मेरा पूरा विश्वास है कि माँ मुझे देंगी, और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था,
पहले कि वहाँ पे जोड़े से नहाया जाता है या बच्चे के लिए भी है वो कुंड, इस बारे में मुझे नहीं पता था, पर वो गुरु जी ने इतना बोला था अगर इनके ऊपर करनी बाधा है, अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो तो आप लोग उस कुंड में जाइए और इन्हें नहला दीजिए, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और मैं आपसे यकीन के साथ बोल रही हूँ वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी, कभी उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कभी वो खेली नहीं, जैसे बोलते जब किसी के ऊपर आता है तो वो खेलते हैं, ऐसे सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो चुकी थी। और भगवान की दया से अभी वो प्रेग्नेंट भी है, तो अच्छा लगता है सुन के भी। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि वहाँ पे जाना कैसे है। तो हम वाराणसी, जब आप वाराणसी स्टेशन उतरोगे, जैसे कि बनारस जंक्शन भी है, वाराणसी जंक्शन भी है, वाराणसी सिटी भी है, तो आप जंक्शन उतरेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा वहाँ जाना। काशी विश्वनाथ बाबा मंदिर के यहाँ से बस थोड़ी सी ही दूरी पर है वो लोलारक कुंड, कुंड का नाम मैं मेंशन कर दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं उसका चित्र भी लगा दूंगी, आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये वही कुंड है। इस कुंड का निर्माण सूर्य देवता के एक उनका कुछ चक्र गिरा था ऐसी मान्यता है वहाँ पे, तो वो चक्र के गिरने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा कुंड एक का निर्माण हो गया था। तो वहाँ पे जो कोई भी स्नान करने जाता है तो उसके शरीर के जो चरम रोग रहते हैं वो चले जाते हैं, जिसके ऊपर ऊपरी बाधा, अब ऊपरी बाधा तो मैं लाइव आपको बता रही हूँ कि मेरे ही घर के सदस्य के साथ ऐसा हुआ था, तो वो पूरी तरह से ठीक है अब। तो जब अपने आँखों का देखा है, वही मैं आप ही लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके नहीं बता रही हूँ। तो जब वो कमेंट्स आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये भी बातें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है, बहुत सारी लेडीज़। क्या आप जैसे सिमसा माता के बारे में ही मुझे खुद भी पता नहीं था, मैं तो बस ऐसे एक बार यूट्यूब पे देख रही थी और मैं सर्च करती थी कि ऐसा कहाँ जाऊँ कि मैं माँ बन सकूँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, तब मुझे सिमसा माता का वीडियो दिखा और मैंने उस वक्त अपने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके यहाँ जाना है। तब वो उस समय मुझे गुरु जी का नंबर भी मिला, तो मैंने गुरु जी को फ़ोन किया, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला बोला कि आप घर से अर्जी लगाइए, तो मैंने घर से अर्जी लगाई तो मेरा सपना आधा अधूरा रह जाता था। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको सारी जानकारी अपने बारे में मैंने आपको मेरे वीडियो में बताई हुई है। तो अब ये बात करते, जिसकी भी कोख बंधी हुई है, जिसके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया, उनके लिए इस कुंड में जाकर स्नान करने से उनकी सारी विपत्ति खत्म हो जाएगी। आप अब फ्री में वहां पे नहाना है आपको, तो आपको गणेश चतुर्थी के बाद जब तीज के तीसरे दिन वहां पे नहाया जाता है, वहां पे ये वहां पे अगर पीरियड समझिए आपको आ भी जा गया है तो उसके लिए अलग से जगह बना दी जाती है उस कुंड में, एक तरफ साइड से बना दिया जाता है, वहाँ पे महिलाएं नहा लेती हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम आई रहती है उन्हें भी। पर मैं यही कहूँगी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको पीरियड्स वगैरह आने वाले हैं, अगर आप सोच रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो आप प्लीज़ मेडिसिन वगैरह ले लीजिए एक महीने के लिए, आपको अगर ऐसा लगता है तो उस समय के लिए, और अगर अदरवाइज नहीं तो आप बिंदास जाइए वहाँ पे। पर गणेश चतुर्थी के बाद जो छठी पड़ती है, तब जो छठ माता की पूजा होती है, तब नहीं तो आप जब दूसरी छठ माता जो अभी गई कार्तिक महीने में कुछ रहती है, जब नवरात्रि हमारा सॉरी दिवाली के बाद, तभी भी आप वहाँ जाके नहा सकते हो। मैंने जैसा बोला कि आप अदर्स डे वहाँ पे 12 महीने नहाया, वहाँ पे भी उस कुंड की महत्वता ऐसी है कि आप वहाँ 12 महीने भी जाके नहा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जब अदर्स डे जाते हो ना, तो वहाँ पैसे बहुत लेते हैं वहाँ पे जो वहाँ के पुजारी हैं। और जो सबसे मेन चीज़ देखिए मैं बताना भूल गया आप लोगों से, कि वहाँ पे अगर जो बच्चे के लिए जाता है ना, मतलब जिसे बच्चा चाहिए होता है, तो उन्हें ना वहाँ पे भी एक फल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब आप वहाँ पे एक फल छोड़ोगे तो उस फ्रूट को आपको खाना नहीं है, जब तक आप माँ नहीं बन जाते, जब तक आप माँ नहीं बन जाती तब तक आपको फ्रूट्स को खाना नहीं है। उस फ्रूट के खाने के बाद ही, मतलब जब आपको बच्चा हो जाएगा और आपके बच्चे का वहाँ ले जाके आपको मुंडन भी कराना पड़ेगा, तो जब आप मुंडन वहाँ पे कराओगे तब जाके आपका जो कुछ भी है वो सफल होगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी जो है मैंने आपको बताई हुई है कि फ्रूट पर, ये जब आप गणेश चतुर्थी को जब जाएंगे ना, तब आपको कोई भी आप वहाँ पे फ्रूट भाजी आप अपनी मन चाहे वहाँ पे लेके, आप जो आपको नहीं छोड़नी है या छोड़नी है जो आपको लगता है तो वो छोड़ सकते हैं। पर आप अदर्स जिसकी कोख बंधी हुई है, तो जैसे कि हम जब गए थे तो अदर्स डे पे तो उन्होंने क्या किया था कि एक जो उसको सफ़ेद पेठा बोला जाता है, उस सफ़ेद पेठे को उसमें कुछ मंत्र वगैरह करके वो लेडीज़ ने दिया था मेरी बहन को और बोली इस कोख अगर बंधी तो इसी तरह से छूटेगी, तो आपको फिर उसने मतलब बहुत ऐसे विधि विधि वैसे कुछ नहीं, मतलब उसको ले जाना है फिर नीचे पानी में जाके नहाना था उनको। और वहाँ का जो सबसे मेन चीज़ होता है कि
आप जो भी शरीर पे पहन के जाते हो, जो कुछ भी पहन के जाते हो, वो आपको वहां पे निकालना पड़ता है। अगर आप गोल्ड वगैरह वेयर करके जाओगे तो प्लीज जाइएगा नहीं वहां पे, जो भी चीजें नकली पहन के जाइए, क्योंकि वहां पे भी ऐसी, अगर आप कुंड में नहाते हो तो आपके शरीर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी, मतलब आप कपड़ा पहन के नहा सकते हो, पर नहाने के बाद में जो कुछ भी आप पहन के गए हो ना, आपको सब कुछ वहां पे छोड़ना पड़ता है। वहां पे एक ट्रायल रूम बना होता है, उस ट्रायल रूम में आपको अपने कपड़े, गहने, पायल से लेकर, तो आपके शरीर पे जो कुछ भी हो, चाहे कान का हो, नाक का हो, गले का मंगलसूत्र से लेकर, सारी चीजें वहां पे आपको निकालनी पड़ती है। तो इस बात का आप एक और ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी बात है ये, तो इस बात को बहुत अच्छे से सुनना भी और समझना भी, कि आप वहां पे जाओगे जब नहाने के लिए तो नकली ही सामान पहन के जाना, और कपड़ा भी कोई, जैसे साड़ी वगैरह आप पहनोगे तो पहन के जाना, और वहां पे नहाने के बाद उस सब चीजों को छोड़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे वहां जाओगे तो आपको विधि सब बता ही देंगे वहां पे अच्छे से, लेकिन मैं फिर से आपको मेंशन कर रही हूँ, आपको कपड़ा वगैरह, सारे गहने वगैरह पहन के नहाना है वहां पे, उसके बाद उसे सब छोड़ा जाता है। तो जो भी आप पहन के जाओगे तो वो गोल्ड का नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपके शरीर पे नकली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्ड का पहन के जाओगे तो उसे भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपके शरीर पे एक धागा भी रह जाएगा ना, उस धागे को भी नहीं रहने देना है, उसे भी वहां छोड़ के आना है, तो आपका जो बंधी हुई कोख है वो कभी नहीं खुलेगी, और आप फिर से उसी सिचुएशन में हमेशा रहोगे। तो इस बात का ध्यान देना। और एक जो विशेष बात है कि जब आप नहा लोगे, जब आप ऊपर चढ़ोगे नहा के, वहां पे ऐसे चारों तरफ से ना सीढ़ियां बनी हुई है, और जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना होता है, तो आप पीछे पलट के बिल्कुल भी मत देखना वहां पे। अगर आप पीछे पलट कर देखते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, आपने नहा लिया, आपको वो लोग खुद कहेंगे कि आप जाइए, आपने जो भी पहना हुआ है उसको सब कुछ निकाल के वहां पे छोड़ दिया ट्रायल रूम में, और वहां पे आपको निकालना पड़ेगा, और ऐसे ही सीधा आप ऊपर जाइए, फिर वहां पे क्या बोलते करके, लोलारक कुंड बाबा हैं, उन महादेव लोलारक बाबा, उनकी पूजा विशेष विधि पूर्वक कीजिए, और उसके बाद अपने घर चले आइए। जब फिर वहां पे आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा, जब आपको बच्चा होगा, संतान होगा, तब भी आपको वहां पे जाना है, फिर आप कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रही, ये मेरी खुद की बहन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरी एक सहेली है, उसको भी 6 साल हो चुके हैं, उसको भी बच्चा नहीं था, तो मैंने उसको सिमसा माता के बारे में बताया, तो उसे उसकी उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो बोली कि मैं वहाँ जा सकूँ, इतना ट्रैवलिंग वगैरह मैं नहीं पे कर पाऊंगी। तो फिर उसको भी, मतलब मैंने फिर बताया कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा मैंने सुना है, अभी तक हम गए नहीं हैं, अगर तुम्हें जमनेगा तो तू जाके आ सकती है क्या। तो उसने भी मुझे बताया कि अरे पर मेरे ऊपर तो ऊपर का प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला नहीं, एक पंडित जी ने बोला है, तो उसने ये सब सुना समझा अच्छे से, तो वो गई भी। वो वहाँ से आने के 3 महीने के बाद वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके ऊपर भी जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया था। तो मैं दो लोगों की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, दो लोग का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और अगर आपको कुछ भी पूछना है इस वीडियो में तो आप बिंदास कमेंट्स कीजिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज की आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सारा जवाब दूंगी। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।